नमस्कार, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं राजनीति। प्रधानमंत्री मोदी दूसरे देश के मेहमानों को अपने गृह प्रदेश गुजरात ले जाना नहीं भूलते। पीएम मोदी चीन और जापान के राष्ट्रपति का गुजरात में स्वागत कर चुके हैं। अब वो इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ गुजरात पहुंचे। ये बात अलग है कि कांग्रेस को ये रास नहीं आया और उनके गुजरात जाने पर ही सवाल खड़े कर दिए। पीएम मोदी ने न सिर्फ नेतन्याहू के साथ रोड शो किया बल्कि पतंग भी उड़ाई। गांधी आश्रम में तो इजरायली पीएम ने चरखा भी चलाया। आई से इंडिया, आई से इजराइल, घर में पीएम मोदी की आई पॉलिटिक्स। नेतन्याहू बोले जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। साबरमती आश्रम में नेतन्याहू ने चलाया चरखा। पीएम मोदी ने नेतन्याहू को सिखाए पतंगबाजी के गुर। मोदी नेतन्याहू के गांधी आश्रम जाने पर चिढ़ी कांग्रेस। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत दौरे पर है। नेतन्याहू पीएम मोदी के गृह प्रदेश गुजरात पहुंचे। नेतन्याहू और पीएम मोदी के बीच दोस्ती की मिसाल गुजरात के अहमदाबाद में एक रोड शो में दिखी। रोड शो शहर के हवाई अड्डे से शुरू हुआ और 8 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद साबरमती आश्रम पर खत्म हुआ। इस दौरान रोड के किनारे लगभग 50 मंच तैयार किए गए, जहां देश के अलग अलग राज्यों से आए लोगों ने नेतन्याहू के झांकियों से स्वागत किया। साबरमती आश्रम पहुंचने के बाद नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने सबसे पहले महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। बापू के आश्रम में पहुंचे नेतन्याहू ने वहां मौजूद चरखे को अपनी पत्नी संग चलाकर भी देखा। खुद पीएम मोदी ने गाइड की भूमिका निभाते हुए नेतन्याहू को चरखे की जानकारी भी दी। इसके बाद पीएम मोदी और नेतन्याहू ने पतंगबाजी भी की, जहां मोदी ने नेतन्याहू को पतंगबाजी के गुर भी सिखाए। पीएम मोदी और नेतन्याहू के गांधी आश्रम जाने पर कांग्रेस ने सवाल भी उठाए। प्रधानमंत्री जी से जरूर इतना ही अपेक्षा करेंगे कि बहुत सारे अच्छे, बहुत दूसरे भी अच्छे शहर हैं, हैदराबाद, बेंगलोर, जयपुर, पटना, लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली। दिल्ली तो कैपिटल है। यहाँ भी किसी प्रधानमंत्री का, एक किसी राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री जी रोड शो करते तो अच्छा लगता है, कि लगता है कि देश के प्रधानमंत्री है। अभी ऐसा लगता है कि गुजरात के ही प्रधानमंत्री भी है। पीएम मोदी और नेतन्याहू ने आई क्रिएट सेंटर का भी उद्घाटन किया और एक खास बात बताई कि आई क्रिएट का जो आई है वो स्मॉल लेटर में है। आई को छोटा रखने की वजह पीएम मोदी ने बताई कि आई यानी मैं का बड़ा होना क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी रुकावट होती है। आई क्रिएट का जो आई है वो स्मॉल लेटर में है। जब आई क्रिएट का नाम तय हो रहा था तो आई को छोटा क्यों रखा, इसके पीछे भी एक वजह है। क्रिएटिविटी के साथ अगर आई कैपिटल है, बड़ा है, तो उसका मतलब है अहम और अहंकार आड़े आ रहा है। और इसलिए शुरुआत से ही इस संस्था को, यहां की क्रिएटिविटी को अहम और अहंकार से मुक्त रखा गया। आई क्रिएट सेंटर का उद्घाटन करने के बाद नेतन्याहू ने कहा कि भारत आने पर वो बेहद खुश है। साथ ही नेतन्याहू बोले जय हिंद जय भारत और जय इजराइल। Always treasure the moment that you decided to inaugurate this visionary center on my visit, on the visit of the Prime Minister of Israel. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Israel. Thank you, Prime Minister Modi. आपको बता दें, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 6 दिनों के भारत दौरे पर हैं
और इससे पहले वो ताजमहल का दीदार भी करने गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।